तो कैसे हैं आप सब। तो आज आपके लिए एक कमाल का इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके आया हूँ जो कि आपको मिलता है एवेरा की तरफ से। एवेरा एक इंडियन ब्रांड है जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाता है और यह स्कूटर भी एवेरा ने बनाया है और इस स्कूटर का नाम है एवेरा रेट्रोसाब। तो आज हम इस स्कूटर के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, इसकी प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं और इसके लुक के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार आने वाला है, आइए। तो सबसे पहले इसके सामने के लुक की बात कर लेते हैं, तो बहुत ही सुंदर और प्यारा सा लुक दिया हुआ है। तो इसके सामने की तरफ आपको गोल शेप में एलईडी हेडलैम्प मिल जाते हैं और एलईडी हेडलैम्प के नीचे आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है और उसके ऊपर आपको एवेरा का लोगो मिल जाता है और यहाँ पे आपको एलईडी के इंडिकेटर मिल जाते हैं और इन दोनों ही एलईडी इंडिकेटर के बीच में आपको क्रोम फिनिश में एक स्टाइलिश डिज़ाइन मिल जाती है और उसके ऊपर आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं। और इस स्कूटर में अगर कलर ऑप्शन की बात करें तो बहुत ज़्यादा इसमें कलर ऑप्शन दिए हुए हैं, इतने ज़्यादा कलर ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें आपको हर कोई कलर का स्कूटर मिल जाएगा। इसमें आपको 12 से 13 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अगर टायर की बात करें तो इसमें आपको 90x12 के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं और इसमें आपको आगे और पीछे की तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं इस स्कूटर के साइड के लुक की। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको सामान रखने की जगह मिल जाती है और यहाँ आपको 100% इलेक्ट्रिक स्कूटर होने की ब्रांडिंग मिल जाती है और इसके नीचे आपको एवेरा की ब्रांडिंग मिल जाती है और उसके ऊपर आपको रेट्रोसा मॉडल की ब्रांडिंग मिल जाती है और इसमें आपको बॉस कंपनी की मोटर मिल जाती है जो कि 3000 वॉट की है। इसमें आपको एक और वेरिएंट मिल जाता है जिसमें आपको 5000 वॉट की मोटर मिल जाती है। इसके अगर बैटरी की बात करें तो ये बैटरी आपको बूट के अंदर मिल जाती है और ये बूट आपको चाबी से खोल सकते हैं, तो मैं ये चाबी से खोल के बता देता हूँ। इसमें आपको लिथियम फेरस फॉस्फेट की बैटरी मिल जाती है जो कि कंपनी क्लेम करती है कि अगर टेम्परेचर 60 डिग्री भी चला जाए तो भी आपकी बैटरी हीट नहीं करेगी। बूट के अंदर बैटरी आने से आपको बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलती है अपने सामान को रखने के लिए। तो पीछे कंपनी ने एक हैंडल लगाया हुआ है जहाँ पे आप अपना सामान आराम से रख सकते हैं। और इसके अगर बैटरी की बात करें कि ये कितने घंटे चार्ज होती है या आपको कितनी रेंज देती है, तो मैं ये बता दूँ कि ये 5 से 6 घंटे में फुली चार्ज हो जाती है एक नॉर्मल चार्जर से और 2 से 3 घंटे में फुली चार्ज हो जाती है एक फास्ट चार्जर से। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो कि मैं आपको स्टार्ट करके बता देता हूँ। तो ये स्टार्ट होने में थोड़ा सा समय लेगा। इसमें आपको पार्किंग का इंडिकेटर मिल जाता है और यहाँ पे आपको 100% बैटरी का इंडिकेटर मिल जाता है और बाकी आपको नॉर्मल इंडिकेटर मिल जाते हैं। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 4 मोड मिल जाते हैं जो कि आप लेफ्ट वाले हैंडल से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको स्पोर्ट मोड मिल जाता है, ड्राइव मोड मिल जाता है, इको मोड मिल जाता है और रिवर्स मोड मिल जाता है। स्पोर्ट मोड में ये स्कूटर आपको 108 किलोमीटर की रेंज देगी और इको मोड में आपको ये 140 किलोमीटर की रेंज देगी। इसमें आपको एक रिवर्स मोड मिल जाता है, जिस तरह कार में रिवर्स गियर होता है जिससे कार पीछे की तरफ चलती है, उसी तरह इसमें भी एक रिवर्स मोड होता है। ये रिवर्स मोड कैसे काम करता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं स्कूटर को ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद ये रिवर्स गियर डाल देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये स्कूटर अब आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ जाएगा। तो आपको ये फीचर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इसके राइट हैंडल में कौन कौन से बटन मिलते हैं उसकी बात कर लेते हैं, जहाँ से आप स्कूटर को ऑन कर सकते हैं और इस बटन से आपके स्कूटर के 4 इंडिकेटर एक साथ ऑन हो जाएंगे। इसमें आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए भी एक मोबाइल सॉकेट मिलता है जो कि आपको इस बॉक्स के अंदर मिलता है और इस बॉक्स को आप चाबी से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ से आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं और यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है जहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हैं। और इस बॉक्स के ऊपर आपको एक हुक मिल जाता है जहाँ पे आप अपना सामान टांग सकते हैं। तो ये इस स्कूटर की चाबी और इस चाबी के ऊपर भी आपको एवेरा की ब्रांडिंग मिल जाती है और इस चाबी की एक और खासियत है कि ये चाबी
पूरी 360 घूमती है। तो मैं ये 360 आपको ये चाबी घुमा के दिखा देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये चाबी बिना रुके 360 घूम सकती है। तो इसमें आपको एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है जिससे आप अपना फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, और इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मैं ये ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप अपना स्कूटर बिना चाबी से ही ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। तो ये मैं आपको फीचर दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा स्कूटर ऑन है, तो मैं इसको ऑफ़ करके बता देता हूँ। तो मैं जैसे ही इस बटन को ऑफ़ करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा स्कूटर अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो आपको ये एवेरा का रेट्रोसा स्कूटर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये स्कूटर ख़रीदना है या फिर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वारी हो, तो मैंने एवेरा के शोरूम की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन दी हुई है, तो वहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।